ये कहानी एक छोटे से चूहे की है जो एक जंगल में रहता था और वो काफी नटखट था। एक बार चूहा खाने की तलाश कर रहा होता है। अरे यार, काफी भूख लग रही है और मुझे तो आज खाने को भी नहीं मिल रहा, अब क्या करूं मैं? चूहा पूरे जंगल में खाने की तलाश कर रहा होता है और अचानक उसे सामने एक सेब पड़ा मिलता है। मिल गया आज का खाना। चूहा जल्दी से भाग के जाता है और उस सेब को उठा लेता है और फट से खाने लग जाता है। कितना स्वादिष्ट है ये सब, मजा आ गया। काश मुझे ऐसे ही रोज स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो अपनी तो जिंदगी कट जाए। चूहा जब सेब खा रहा होता है तो सामने वाली गुफा से किसी के खर्राटे लेने की आवाज आ रही होती है। ये कहाँ से आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है ये आवाज सामने वाली गुफा से आ रही है। चूहा कोशिश करता है गुफा के अंदर झांकने की कि आवाज अंदर से आ रही है या नहीं। लगता है अंदर शेर राजा सो रहे हैं। अगर शेर राजा सो रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा शेर राजा को पास से देखने का। चलो अंदर चलकर देखते हैं। चूहा शेर को पास से देखने के लिए शेर की गुफा के अंदर चला जाता है। वाह, कितने बड़े हैं हमारे जंगल के राजा, और राजा जी की तो मूंछें भी काफी बड़ी हैं। एक बार इनकी मूंछों को छूकर देखूं मैं? नहीं, अगर उठ गए तो? अगर आज मैंने इनकी मूंछों को नहीं छुआ तो फिर कभी मुझे नहीं लगता कि ये मौका मिलेगा। हाँ, ऐसा करता हूँ, एक बार छू ही लेता हूँ। चूहा डरते हुए धीरे धीरे शेर की ओर बढ़ता है और धीरे से जाकर शेर की मूंछों को छू लेता है। अरे वाह, शेर राजा की मूंछें तो बड़ी ही मुलायम। जब चूहा शेर की मूंछों को छू रहा होता है तभी शेर अपनी आंखें खोल देता है और वो देखता है कि छोटा सा चूहा उसकी मूंछों को छू रहा होता है। इन सब में चूहा अपनी मस्ती में होता है और शेर की मूंछों को छूने में इतना मस्त होता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कब शेर ने अपनी आंख खोली है। शेर को बहुत गुस्सा आता है और शेर अपने पंजे को उठाता है और चूहे की पूंछ पर रख देता है। चूहा शेर को देखता है और डर जाता है कि शेर कैसे उठ गया। शेर राजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे नींद से उठाया, अब तू गया, देखता हूँ तेरे को मुझसे कौन बचाएगा। शेर राजा, मुझे माफ कर दो, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको सोते हुए उठा सकूं। अच्छा, मेरे सामने नाटक मत कर। नहीं शेर राजा, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, मुझे एकदम से आपके खरोटों की आवाज आई तो मैं अंदर चला आया। मैंने कभी आपको इतने पास से नहीं देखा था ना, तो बस मैं आपको पास से देखने आ गया था। जितना देखना है देखने बच्चा है, क्योंकि अब तेरी ये गोल गोल आंखें हमेशा के लिए बंद होने वाली है। शेर राजा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे खाकर तो वैसे भी आपका कुछ नहीं बनेगा,
मैं इतना छोटा सा जो हूँ, अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी आप कभी मुसीबत में होंगे मैं आपकी मदद करूँगा। तू मेरी मदद करेगा? तू इतना छोटा सा, मेरी क्या मदद करेगा? तू शायद भूल गया जो है, मैं इस जंगल का राजा हूँ और सभी जानवर मुझसे डरते हैं, तो मेरी मदद कैसे करेगा? शेर राजा, मुझे पता है मैं बहुत ही छोटा सा जानवर हूँ, मगर ये भी तो सोचो, मुझे खाकर आपका तो पेट भी नहीं भरेगा, और क्या पता कभी कहीं ना कहीं मैं आपके काम आ जाऊं। वैसे मैंने अभी अभी एक पूरा हिरन को खाया है और मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें खाने की ज्यादा इच्छा नहीं है मेरी। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ अगर तुमने अगली बार मेरी गुफा में आने की जरूरत की तो तुम नहीं बचोगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेर राजा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अब कभी भी आपकी गुफा में आने की गलती नहीं करूँगा। चूहा डरते हुए शेर की गुफा से बाहर आ जाता है। ओह, शुक्र है जान बच गई मेरी, जल्दी चलो यहाँ से इससे पहले कहीं शेर राजा अपना मूड बदल ले। और चूहा वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। कुछ दिन बाद चूहा अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा होता है और खेलते खेलते एक जोर से आवाज आने लगती है। अरे बचाओ, बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो, कोई है? दोस्तों, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ भाई, मुझे भी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी ही मुसीबत में है। मुझे लग रहा है कि हमारे शेर राजा की आवाज है, चलो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और सभी चूहे शेर की मदद के लिए चल देते हैं। सभी चूहे देखते हैं कि शेर एक जाल में फंसा हुआ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। अरे बचाओ, बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो, कोई है? मेरी मदद करो, कोई मुझे जाल से निकालो। शेर राजा, आप यहाँ कैसे फंस गए? अरे तुम वही हो ना जो मेरी गुफा में आए थे? हाँ शेर राजा, मैं वही हूँ, आप यहाँ कैसे फंस गए शेर राजा? मैं शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था और एक शिकारी ने ये जाल यहाँ लगा रखा था और मैं उसमें फंस गया। तुम जल्दी से जंगल से मदद लेकर आओ क्योंकि शिकारी आने वाला ही होगा। शेर राजा, आप चिंता मत करो, मैं और मेरे दोस्त इस जाल को अपने दांतों से आग झपकते ही काट लेंगे। चलो दोस्तों, शेर राजा को इस जाल से मुक्त करें। और सारे चूहे तुरंत ही उस जाल को अपने दांतों से काट देते हैं और शेर राजा को उस जाल से मुक्त करवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा चूहे भाई, मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक बनाया था कि तुम छोटे से मेरे किस काम आओगे, मगर तुमने आज मेरी मदद करके मुझे गलत साबित कर दी। कोई बात नहीं शेर राजा, हम सभी जानवर एक ही जंगल में रहते हैं और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज मैंने आपकी मदद करी है, कल आप भी मदद कर सकते हो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्या पता कब कौन और कहां हमारे काम आ जाए, इसलिए सभी के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।